नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और ये है राखी से एक दिन पहले का पूरा दृश्य जो अभी आप देख सकते हैं। हम लोग अभी रंगरेज गली में मौजूद हैं और यहाँ पर सभी लोग अपने अपने तैयारियों में जुटे हुए हैं राखी को लेकर के। कई सारी महिलाएं मेहंदी लगा रही हैं, लड़कियां मेहंदी लगा रही हैं, राखी लेने के लिए सभी लोग पहुँचे और कपड़े और अन्य चीज़ों की भी शॉपिंग शुरू हो चुकी है। हम लोग कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे इसको लेकर के, क्या कुछ मार्केट का माहौल रहा है आज, उससे लेकर के हम लोग बातचीत करते हैं। तो हमारे सामने भी काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं जो राखी को लेकर के मेहंदी लगवा रही हैं। तो एक बार हम लोग ज़रूर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से सभी महिलाएं आज काफ़ी ज़्यादा खुश हैं राखी को लेकर के। काफ़ी ज़्यादा इस कोविड के टाइम में एक बहुत अच्छी, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कोविड के टाइम में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी लोग मास्क लगा करके ही यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं और मेहंदी लगवा रहे हैं राखी को लेकर के। सावन का भी अंतिम दिन आ चुका है, उसको भी देखते हुए कई सारे लोग राखी और सावन दोनों की मेहंदी एक ही साथ इस बार लगवा रहे हैं। तो ये पूरा दृश्य आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी महिलाएँ लाइन से यहाँ पर बैठी हुई हैं और मेहंदी लगवा रही हैं। हम लोग एक बार चाहेंगे कि इनसे भी बातचीत करें। क्या कहेंगी आप, कल राखी है, क्या कहेंगी, कितनी खुशी है कोविड के टाइम में राखी आप मना रही हैं? बहुत खुशी है। पिछले बार तो हम लोग मनाए नहीं थे अच्छे से और इस बार बहुत अच्छे से मना रहे, इसीलिए बहुत खुश हैं हम लोग। ये देखिए हमारे साथ यहाँ पे भी महिलाएं, क्या कहेंगे कोविड के बाद ये राखी? इस बार तो उस बार तो हम लोग को मज़ा नहीं आया था, घर में ही रह गए थे, भाई लोग को राखी भी नहीं बांधने। इस बार तो थोड़ा हम लोग राखी में मेहंदी वगैरह लगा रहे हैं, कुछ खुशी लग रहा है। तो राखी खरीद लिए? जी राखी तो खरीद लिए। तो भाई रांची पहुंचेंगे या फिर आप कहीं? नहीं, मेरे भाई तो रांची में ही रहते हैं। तो ये आपने सुना कि यहाँ पे सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मेहंदी का जो शुरुआत है वो यहाँ पर चल रहा है, बस उसको लेकर के सभी महिलाएं यहाँ पहुंची हैं। क्या कहेंगी, राखी खरीद लिए? हाँ राखी तो खरीद लिए। अभी राखी का प्राइस कैसा लग रहा है, मतलब महंगा लग रहा है कोविड के कारण या फिर पहले जैसा वैसा ही? नहीं, महंगा भी है और ये सस्ता भी है, मतलब ठीक साइज, ये ठीक मिला आपको? हाँ ठीक मिला। तो अभी आप मेहंदी लगवाने के लिए आई हैं? नहीं, हम हाँ मेहंदी लगवाने आए हैं। तो ये हम लोग जरा इनसे भी बातचीत करेंगे कि मेहंदी का जो प्राइस है वो पहले से बढ़ गया या फिर अभी भी उतना ही रखे है? मेहंदी का प्राइस कैसे बाकी? गुरु जी सेम चार्ज है जैसा पहले था, पिछले साल वही सेम चार्ज। क्या प्राइस ले रहे हैं मेहंदी लगाने का? 100 रुपीज स्टार्टिंग है। तो ये 100 रुपीज़ स्टार्टिंग है मेहंदी लगाने के लिए, तो पर हैंड 100 या फिर दोनों साइड मिला करके? दोनों साइड मिलाकर एक हाथ का 100 है। तो आपने सुना कि क्या इनका सीधा कहना है कि जो पहले दाम था वही हम लोग रखे हैं, ज़्यादा इसमें कुछ फेर बदल हम लोगों ने नहीं किया है। हम लोग राखी की भी दुकानों पर चलते हैं, वहाँ पर किस टाइप का माहौल है, कैसे महिलाएं वहाँ पर ख़रीदारी कर रही है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं राखी के दुकान में और यहाँ का क्या कुछ प्राइस है यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं। ये देखिए पूरा यहाँ पर राखी काफ़ी बेहद सुंदर यहाँ पर लगाया गया है इस दुकान के बाहर और लोग आ रहे हैं यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए। हम लोग अंदर सभी ग्राहकों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ख़रीदारी कैसी चल रही है, ग्राहकों की अभी कैसी भीड़ है अभी राखी? देखिए कल तो त्यौहार, तो आज तो भीड़ होनी होनी 110% है, क्योंकि कोविड का भी समय है ना, इस वजह से कोविड। अब तो लास्ट में तो कस्टमर आएंगे, आएंगे कहाँ जाएंगे, कस्टमर नहीं आएंगे तो। अभी 2-3 दिन पहले आते तो पूरा रोड खाली था, आज कस्टमर दिख रहे हैं आपको, पहले कस्टमर भी नहीं आ रहे थे दुकान पे। तो कस्टमर्स भी पहले यहाँ पर नहीं थे, यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं और यहाँ पर ख़रीदारी के भी समय पूरा चल रहा है, सभी जगह ग्राहक मौजूद है और क्योंकि कल राखी है इसलिए सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। हम लोग और भी एक दुकान में जा कर के बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है इसलिए कोई भी ज़्यादा समय नहीं दे रहा है। तो हम लोग एक बार यहाँ पर भी बातचीत करते हैं। राखी का क्या कुछ प्राइस अभी आप अपने दुकान में रखे हैं? मेरे पास 5 रुपये से लेकर 150 तक का बस। ग्राहकों की भीड़ और नए राखियों का क्या कुछ अभी? अभी ज़्यादातर स्टोन बेस का राखी जो वही चलता है।
और बच्चों के लिए लाइटिंग वगैरह वही सब सारा। यहाँ पर ये भी खरीदारी कर रही है, हम लोग इनसे भी एक बार पूछते हैं क्या लग रहा है अभी राखी के दाम ज्यादा बढ़े हुए या फिर ठीक ठाक है जैसे पहले वक्त? ठीक है, ठीक है। कोविड के बाद, कोविड के ही समय में कहा जाए कहीं ना कहीं राखी फिर से लोग मनाने शुरू कर रहे हैं, क्या कहिएगा उस पर? कर रहे हैं, ये छूट सरकार दे दी है, कर रहे हैं। अगर लॉकडाउन रहता तो नहीं आता उतना, पिछले बार की अपेक्षा इस बार ज्यादा? हाँ, इस बार ठीक है, पिछले बार तो कोई पर्व कुछ भी नहीं हुआ था। तो सभी लोग सिर्फ राखी खरीदने नहीं पहुँचे हैं, अलग अलग चीज़ें खरीदने पहुँचे, कपड़े खरीदने पहुँचे हुए हैं सभी यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे जो भाई बहन एक साथ यहाँ पर है वो लोग भी यहाँ पर मौजूद है, सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं। ये बच्चा यहाँ पर मौजूद है, एक बार हम लोग इससे बात करते हैं। कल राखी है, क्या बोलिए, कल राखी है, क्या क्या कुछ तैयारी है बहन को देने की? गिफ्ट तैयार है। क्या गिफ्ट दे रहे हैं अपनी बहन को? इयरिंग दे रहे हैं। खरीद लिए? और दीदी राखी खरीद ली या फिर अभी बाकी है खरीदना? खरीदे, ये मेरे मामा का दुकान है। अच्छा, ये आपके मामा का दुकान है। तो बच्चे यहाँ पर अपने मामा के दुकान भी पहुँचे हुए हैं, राखी यहीं से पसंद करके अपने मामा के दुकान से ही लेकर के जा रहे हैं, तो एक बहुत बेहतर माहौल यहाँ पर है। तो यहाँ पर सभी लोग पहुँचे हुए और अपनी खरीदारी लगातार कर रहे हैं। इसी के साथ रांची से लाइव लगातार के लिए पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।